मेरे पास एक आयरन है ये, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आयरन अब तक यूज़ किए हैं, लेकिन इसकी कुछ बात एक अलग है। और उस बात को मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको हीट करने से पहले, जैसे हीट करने जा रहा था, तो दिमाग में आया कि ये आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है उसका सोल्डरिंग आयरन। हमने बहुत सारे आयरन को यूज़ किया, लेकिन इसकी बात कुछ अलग है। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जो लोकेश नाम है, वो हरियाणा से हैं, उन्होंने हमारे पास इसको भेजा था, और उसने और भी कई चीज़ों को भेजा है, उसका उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये जो आयरन है ये है 100 वाट का, ठीक है, सीरॉन कंपनी का है, और इसका नंबर यहाँ पर देखेंगे ये 900 है, और यहाँ एक ऑन ऑफ स्विच है 220 वोल्ट की, यहाँ पर जो इसकी इनपुट सप्लाई है, थोड़ा क्लियर करते हैं ये, अभी हम आपको इसका बताते हैं खासियत क्या है। और यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है सीरॉन, ठीक है, SI90T। अब ये है 100 वाट का, ठीक है। अब 100 वाट का इसलिए यूज़ करना पड़ता है, जो पहले यूज़ करते थे आयरन जो हमारे कम वाट के होते थे, अब वो चीज़ें काम नहीं करेगा। यहाँ पे इसको 100 वाट यूज़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो दिखा दे इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम है, इसकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी है वो है इसका मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400। एक सेकंड, हाँ, मैक्सिमम 480, ठीक है, यहाँ पर देखें, यानी मिनिमम जो है 200 और मैक्सिमम 480। अब इस आयरन को हम 300, यहाँ से 300 सेंटीग्रेड पे रखते हैं, ये एरो है, और इसके सामने ये जो लिखा हुआ है ये 300 है, और इसको हम सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक इंडिकेशन जलेगा, यहाँ देखिए, ये अभी ये हिट होगा, और हिट होने के बाद यहाँ पर देखें जो गंदगी लगी हुई है, एक सेकेंड, फोकस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, दिखाते हैं, देखें गर्म होना स्टार्ट हो गया। अब ये जितनी गंदगी है यहाँ पर देखें, जैसे और भी अदर जितने सोल्डरिंग आयरन देखे होंगे उनकी बीट की जो क्वालिटी होती है, अभी हम इसको आप दिखा यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए जैसे गर्म हो गया, अब इसको ऐसे ऐसे एक कपड़े से साफ़ कर दें तुरंत, जैसे ये गर्म हो जा रहा है, और इसमें देखेंगे तो जो इसकी क्लीनिंग है वो चीज़ें एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इसकी बहुत ही खास बात है कि जब आप, और इसका और भी खास बात ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका जो जितना कम चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा चाहे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो पीसीबी में सोल्डरिंग वायर यूज किए जा रहे हैं वो काफ़ी, उसका जो उस सोल्डर वायर का हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे जो है कम वाट के आयरन जो है काम नहीं करते, यानी बहुत देर तक आप किसी कंपोनेंट पे लगाएंगे तो भी जो है ओपन नहीं होता, और इससे है आप जितना चाहे उससे उतना मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं जितनी ज़रूरत है, तो उसके अनुसार ये जो है अपना काम बहुत फास्ट तरीके से करता है। और ये मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ, जो जिसने इसको भेजा है वो करीब 2 या 3 साल से उसको यूज कर रहा है, और इसका जो रिस्पांस है उसने बड़ी प्रशंसा की थी, इसलिए मेरे पास इसको भेजा है। और यहाँ पर देखें ये ऑन ऑफ स्विच है, जिससे यहाँ पर चाहें तो यहीं से बंद कर सकते हैं, मेन स्विच से बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब चाहे जब इसे ऑन कर दें ऐसे, और ऐसे चाहे ऐसे बंद कर दें। तो ये आयरन बहुत ही बेस्ट आयरन है, और इस आयरन को जब आप यूज करें तो ये सबसे पहले जैसे आप इसे गर्म करते हैं
तो मात्र 2 मिनट के अंदर ही, यानी 1 मिनट में इसके पहले ही इसको एक कपड़े से काटन के ऐसे साफ़ कर दें, और इसकी लाइफ बहुत ही अधिक रहेगी और यह आपका काम करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होगा इससे। और यहाँ पर ऐसे इसको ओपन करके कुछ दिन पे इसे जो है ओपन कर लिया करें, जिससे यहाँ पे जो इसकी बिट है, ये सॉरी, ये बिट जो है यहाँ पे इसका जो है जाम ना हो, ये आगे जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इससे काफ़ी सेफ़ रहेगा। इसके साथ और भी बिटें मिली हैं, उसे हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, जो कंपेरिजन करेंगे अदर आयरन से। और इसके एक्चुअली ये जो बिट है ये इसके साथ लग के आया है, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा मिला है 4 या 5 बिट वो अलग है। तो ये जो इसके साथ लग के आता है, यानी इसका जो ऑलरेडी इसके साथ पहले से ही लगा होता है, इसकी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ जो लगा है। अभी हमने अदर बिटों को यूज नहीं किया क्योंकि यही सारे काम कर देता है। तो ऐसे ही आपको जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करके, और हमेशा ये कितना भी गंदा हो जाएगा आपको काम करने में, लेकिन जैसे आप इसे बंद करके ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद फिर इसे लगाएं और लगाएंगे, तो ये आपका जो है एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।